हेलो, वेलकम टू एग्जाम टाइम क्लासेस। और जैसे कि हमें पता है कि क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास श्री राम आश्रम के स्टूडेंट हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा गया उनका एग्जामिनेशन। तो बताइए। मेरा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया। 12 है, मतलब 20 MCQ थे जैसे। हाँ। 12-13 तो पक्के ही ना सही है। सही है। वो तो पक्के। अच्छा, कौन सा सेक्शन थोड़ा टफ लगा? सेक्शन डी था, वो मैंने कैलकुलस थोड़ा सा इतनी लीनियंटली किया था, इतना कोई मतलब उसको। अच्छा, क्यों कैलकुलस क्यों लीनियंटली किया? डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट कह लो, प्रैक्टिस नहीं की मैंने। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं की तुमने। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तुम आओ भाई, तुम भी आ जाओ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? साहिल। साहिल, साहिल जी आपका पेपर कैसा गया? ठीक हो गया, मतलब जितना आता था उतना तो कर ही दिया। अच्छा, जितना आता था उतना कर दिया। और वैसे कितनी उम्मीद है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? ये पता नहीं, अभी एस्टिमेट नहीं लगाया इतना। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा सेक्शन था? वो लास्ट दो सेक्शन थे। लास्ट दो सेक्शन थे वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। हाँ जी। चलो, ऑल ओवर पास होने की उम्मीद है? वो है, पास होने की तो है। पास होने की है। तो आपको क्या लगता है कि आम अगर जो नॉन मेडिकल का बच्चा है जिसने तैयारी की है एवरेज सी, तो वो बढ़िया नंबर ले सकता है? वो तो ले ही सकता है, कॉमर्स वालों का होता है ना वो। मतलब पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट ही था? ठीक मॉडरेट ही था। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। ओके, तो ये आपने देखा कि जो एग्जामिनेशन था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया था। बाकी इसके जो डिटेल रिव्यूज़ है वो मैं बाद में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।